अभी न्यूज जो आएगी वो, अभी जो न्यूज आएगी वो ये आएगी कि जो है जो पुराने बोर्ड हैं जो कि भंग कर दिए गए थे नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाने के लिए, क्योंकि हाँ वो आयोग का गठन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो पुराने जितने बोर्ड हैं वो फिर से जो है बहाल किए जाएंगे। ये न्यूज 18 की मीटिंग के बाद जब भी आ जाएगा करके, अभी 18 अगस्त में 29 को हुआ था, उसके बाद सितंबर में 27 को हुआ है, और अब जो है 8 तारीख को आख्या मांगी गई थी, 12 तारीख को उस पर मीटिंग हो गई आख्या पर, मात्र जो है 2 दिन और रह गया, 18 को फिर फाइनल मीटिंग हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं शिक्षा मित्र बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर जिले से। बताइए। सर आपसे बस ये जानकारी लेनी थी कि और तो सब पता है आपकी वीडियो के माध्यम से, और सर जैसा हमारा टेट सीटेट 3 बार क्लियर हो रखा है प्राइमरी का, पहले पहले भी बात हुई थी सर आपसे, तो सर जैसा हमने 3 3 बार टेट क्लियर कर रखे हैं, थोड़े हमारे नेता वेता ग्रुप के जो सदस्य हैं शिक्षा मित्र हैं जो इनका नेताओं से जुड़े हुए हैं, थोड़ा भटकाने की कोशिश कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं होना वो नहीं होना, तो सर आपसे जानकारी लेनी थी। मतलब कोई मतलब ये जो आप सर बताते हो ये सब क्लियर तो होगा ना सर? आपने पहले बात किया नेताओं के बारे में, ये बताइए जिन भी नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, किसके जी भी बारे में, हम तो नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये बताइए उनमें से सर टेट कितने पास हैं? उसमें से बस क्या कहते हैं आपको, बस नॉन टेट ही हैं दो चार। तो उनमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे टेट भी नहीं पास होंगे, क्योंकि जी जो टेट पास होगा तो वो आगे की तरफ देख रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम उस तरफ बढ़ें। जी बिल्कुल सही। उसने मेहनत किया और टेट पास कर लिया, जैसे आपने किया, जैसे अन्य लोगों ने किया, तो जो भी टेट पास कर लिया है वो जी कहीं ना कहीं जागरूक है और वो समझदार है, और अब वो जी समझ चुका है कि जो समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो गलत थी, जिसके कारण वो रद्द हुआ। जैसे अभी हाल ही में बीएड का गजट रद्द हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, जी तो बिना कमी के कारण कोई चीज रद्द नहीं होता है, कोर्ट ऐसे ही नहीं जी कुछ भी रद्द कर देता है। सही बात है। तो चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, शिक्षा मित्र हो, जी अनुदेशक हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, अगर कहीं गलत पाया गया, कहीं सामने आ गया कोई चीज गलत है, तो फिर वो चीज कैंसिल होता ही है हर हाल में। सही बात है सर आपकी। तो समायोजन रद्द हुआ, तो जो भी लोग समझदार हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जी तो वो तो खत्म हो गई कहानी। और वास्तविकता यही है कि कोर्ट ने जो है रद्द किया, उसके पीछे बहुत सारे कारण दिए हैं, और जो भी समझदार है वो समझ चुका है कि जो नियम है आरटी एक्ट कहता है कि टेट पास होना हाँ चाहिए, वो टेट पर फोकस किया और पास कर लिया। जैसे आपने फोकस किया तो आप 3 3 बार निकाल लिए, तो जी ये जो नेता देखिए है। सर, दो भर्ती सामने आई, ईश्वर की कृपा नहीं थी क्या कुछ भी कह लो, उस टाइम टेट पास नहीं थे, 17 में हो पाया था, 2 नंबर से रह गए थे, 18 में 2 नंबर से रहे। आप बस ये ध्यान दीजिए कि 99% शिक्षा मित्र 2017 के बाद टेट कैसे पास करने लगे, 2017 के पहले क्यों नहीं पास कर पा रहे थे। आप भी अगर देखिए तो आप 17 के जी बाद भी सर, किए हैं। बस वो कहते हैं नहीं क्या 17 के बाद ही तो उनकी आंखें खुली है ना, कि मतलब बेसिक में रहने के लिए हमें कौन कौन सी डिग्री आवश्यक है हमारे लिए, ना कि ये धरने वरने। अब जिन हाँ। लोगों ने ये चीजें समझी उन्होंने निकाल लिए, मोस्टली जो शिक्षा मित्र हैं जिनके भी भाई बहन के निकल रहे हैं हमारे अधिकतर, जिन्होंने ये चीजें सीरियस ले ली कि अगर हम टेट निकालेंगे तो हमारा भविष्य है, तो उन्होंने निकाला। बिल्कुल, 17 के पहले टेट को लेकर के शिक्षा मित्र, चाहे कोई भी शिक्षा मित्र हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उस 17 के पहले उसे टेट के बारे में सोचने ही नहीं दिया जा रहा था कि नहीं आपको सोचना ही वो नहीं है। इसलिए सर सोचने का मौका तो इसलिए नहीं दिया ना, नो बताओ, जब डायरेक्ट नौकरी हमारे सामने फेंक दी और हम नौकरी को कर रहे हैं अपने आंख बंद करके, हमें ये जानकारी ही नहीं है कि हमारे आने वाले समय में हमारे लिए ये पद घातक भी साबित हो सकता है। एक चीज बताइए, कल को आप परमानेंट हो जाएंगे, आप पैसा जी अच्छा कमाने लगेंगे और पैसा आने लगा, आपने जी कोई प्रॉपर्टी खरीदा, जमीन, जी और फिर आप उस पर घर बनाने लगे,
और फिर जब आपने घर बना लिया उसके साल 2 साल बाद पता चला कि नहीं, ये तो प्रॉपर्टी आपके नाम था ही नहीं। और सर तुम तो सर आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, हम तो वर्तमान में भुगत रहे हैं, हमने तो हाँ, घर बनाया है और फिर जो है जिसके नाम पर था जो उसने, भुगत जिसके नाम पर था उसने कोर्ट से ऑर्डर ले आया और आपसे खाली करा दिया, तो आपने जो बिल्डिंग बनाया है जी जी तो क्या कोर्ट आपको उस व्यक्ति से उसका पैसा दिलवाएगी? भैया ठीक है तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमने खाली करा लिया, लेकिन इसने बिल्डिंग बना लिया, इसका पैसा इसको दे दो, कोर्ट दिलवा देगी? नहीं दिलवाने सर, जब तक तो रजिस्ट्री जिसके नाम है वही वेरीफाई वही बनना जाएगा वहां। इसका मतलब है कि आपको कहीं भी कोई भी काम करने से पहले खुद कंफर्म करना पड़ेगा, खुद जांच करना पड़ेगा कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो सारा जी काम सही हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज आप पैसा लगाते जाइए, महल खड़ा करते जाइए, एक दिन जब पता चलेगा कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी आपके नाम थी ही नहीं और आपने महल खड़ा कर दिया, तो प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं, साथ में लगाया हुआ पैसा भी गया। आप एग्जाम्पल सही दे रहे हैं, लगा दिया नाम नहीं है, 17 लाख रुपए लगा दिए, घर में झगड़े चल रहे हैं उस चीजों को लेकर। वो तो ईश्वर ने बहुत ज्यादा बुद्धिमानी दिखा दी प्रत्यक्ष में, मतलब जीवन में क्या सच होता है और क्या झूठ होता है, मौखिक कुछ नहीं है, जो है सब लिखित है। सर अब आप एक चीज बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में पांच पांच भाई है, मेरे हस्बैंड में पांच अच्छा। भाई है हम लोग, और मकान बनाया था, और जैसा आप बता रहे वही कंडीशन सामने आ रही, प्रॉपर्टी बड़े बुजुर्गों की है, बंटवारा हुआ नहीं, बस आपस में भाई बंटवारा किया था कि चलो रजिस्ट्री बाद में करा देंगे, आप मकान बनाओ, मकान बना लिया, ऐसा कुछ बन गया, चलो वो तो फैमिली मैटर है, पब्लिक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सर सर्विस के बारे में बस यही जानकारी लेनी है सर, अब तो अपना भविष्य जॉब पे ही दिखाई दे रहा। तो कुल मिलाकर के आपने अपनी फैमिली में इस तरह की चीजें जो एग्जांपल हमने दिया कहीं ना कहीं देखा है आपने, जी तो कुल मिलाकर के ये जो नेता हैं इनमें जी मैक्सिमम आपको वो होंगे जो टेट भी अभी तक नहीं पास होंगे और उनको पूरा भरोसा है कि हम जी कभी पास ही नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हो आप सर और कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेट भी अगर पास कर गए हैं जी तो वो उनकी सोच अलग होगी, या तो वो नेतागिरी करने के मूड में होंगे, या तो वो चंदा वंदा जी लूटने के मूड में होंगे, या तो उनका जो है कुछ ऐसा होगा कि नहीं एकदम खुन्नस खा के बैठे होंगे कि नहीं ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ न कुछ नेगेटिव थिंकिंग लेकर बैठे होंगे इस वजह से, मतलब कुछ न कुछ उल्टा ही खोपड़ी में भरा होगा तभी वो धरना और ये सब कर रहे होंगे। नहीं तो जो भी सामान्य व्यक्ति है जी और एक पॉजिटिव सोच रखने वाला है और टेट सीटेट जो भी पास है शिक्षा मित्र जितने भी, तो वो बस फोकस करेगा कि जो है सब कुछ करना गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें कौन सा काम दिया जा रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं ताकि जो है हम इसमें बने रहें, अपने घर का खर्चा कैसे चला, अपने परिवार को कैसे चला, इन चीजों पर उन्होंने रहा होगा। देखो इन चीजों से ये सीखा है, अब हमारे बेसिक में एक योजना चली हुई है सर, या निपुण वाली, बच्चों को निपुण करना है कक्षा 3 तक, हाँ और हम उन चीजों से ये सीख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को बच्चा निपुण चाहिए तो एक टीचर भी तो निपुण चाहिएगा। एग्जैक्टली यही तो हम समझाते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीएड नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षा मित्र नहीं है, मोस्ट सही कह इम्पॉर्टेंट है स्कूल और स्कूल के बच्चे। स्कूल जो खोला जा रहा है वो बच्चों के लिए खोला जा रहा है, रहे ना कि हो, नौकरी देने के लिए खोला जा रहा है। बिल्कुल तो जब स्कूल में शिक्षा से संबंधित चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट उसमें लगातार सुधार कर रही है, तो आने वाले वक्त में जो आरटीई एक्ट में है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, तो वो सारी चीजें भी होंगी। अगर जो है कहीं पर स्कूल खोला जा रहा है तो इसका मतलब वहां कहने की जरूरत नहीं है कि वहां बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं, या वहां टीचर रखे जाएंगे, वो ऑलरेडी होंगे। सही तो बात असल में है क्या कि सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 के आसपास शुरू हुआ जी और तब से लेकर अब तक जो लोग उसमें किसी भी रूप में कार्यरत हैं या जो लोग अपने आसपास देख रहे हैं, तो आज तक उन्होंने कुछ खास होता देखा नहीं। उन्होंने देखा कि एक शिक्षा मित्र या एक सहायक अध्यापक स्कूल सही चला रहा है, ताला बंद है, सालों खुल नहीं रहा है, ये सब देखा लोगों ने, बात तो उनको भरोसा नहीं है होता है कि नहीं आगे भी कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल जबकि इस वक्त वर्तमान में गवर्नमेंट इतना ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च कर रही है, लगातार आपने देखा अपने स्कूल में ही। जस्ट मैं तो ये मानती हूँ हमारी जो वर्तमान की गवर्नमेंट है, जो हमने यहाँ चेंज देख लिया बेसिक के अंदर, और कोई सरकार होती शायद कहना तो चाहिए नहीं अपने मुंह से, शायद 8-10 साल लगते बिल्कुल, क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके, जी थोड़ा थोड़ा करके फर्नीचर दिया जा रहा है, मैक्सिमम स्कूलों में तो हो चुका है, कुछ ही परसेंट रह गए हैं।
बहुत ज्यादा चेंज है, हर तरह से चेंज है। अधिकारी आते हैं सीधा टीचर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, हाँ, और अब जो कुछ है, चेक कर रहे हैं, वो बस ये चेक करते हैं क्लास के अंदर कितना पढ़ाया जा रहा, कितना बच्चे ने सीख लिया, कितना करा रहे। बिल्कुल, अब अधिकारियों पर भी जो है तलवार चलने लगा है, उन पर भी कड़ाई होने लगा है। अभी एक प्रिंसिपल साहब जो है, डाइट के प्रिंसिपल साहब, वो कोई कार्यक्रम चल रहा था, शायद फेयरवेल प्रोग्राम था बच्चों का, और उसमें मंच पर चले गए और थोड़ा सा बच्चों ने उनको जो है कहा डांस वांस के लिए, वो डांस कर दिया। अब देखिए उन पर कार्रवाई शुरू है, हाँ वो देखा देखा है, जबकि उस देखा है प्रोग्राम वो में, पब्लिक हो रही है वीडियो। हाँ, जबकि उस वीडियो में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस पद पर हैं उनकी जी, मर्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ठीक है, आप मंच पर गए, आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा बोलिए, आप जो सही है, है बच्चों को जो है मोटिवेट कीजिए, या जो भी है वो कीजिए, बिल्कुल लेकिन जो है ऑन स्टेज जो है आप इस तरह से डांस कर रहे हैं, तो वो चीजें जो है थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में, आप प्रिंसिपल हैं और इस तरह चीजें टीचर हो करके या प्रिंसिपल हो करके आप करेंगे तो उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं या ऊपर के जो लोग हैं उन पर भी कड़ाई नहीं होती है। सर। सर एक बात और भी तो है, अगर आप लोगों को एंजॉय करना तो अपने फैमिली फंक्शन में एंजॉय करो ना खुद को। यही चीज कि हमें कब कहाँ क्या करना है, कब कहाँ क्या नहीं इंसान करना को है। इतनी समझ हो तो फिर वही बात कहनी तो चाहिए नहीं सर, खुद शिक्षा मित्र होकर ये बात अब दिमाग में आती है कि हमारे भाई बहन शिक्षा मित्र ही हैं जो आज हम धक्के खा रहे। कोई भी दोषी नहीं है, कोई बीएड वाला दोषी नहीं, कोई बीटीसी वाला दोषी नहीं, कोई फ्रेश बीएड वाला दोषी नहीं है, हमारे देखिए खुद के अपने भाई बहन लोग, दोषी हैं। देखिए लोग समझने में गलती करते हैं। जी जैसे मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति है और कोई जानने वाला है। आपकी वीडियो सुनी थी सर, वो 2011 से 18 वाली बीएड वालों का, तो तब मतलब आपस में एक ही डिस्कस करते हैं, जहाँ भी फोन करते हैं मैंने कहा उनकी बदौलत क्या पता सरकार हमारा भी अच्छा कर दे। बिल्कुल, अभी ये भी बताते हैं, एक चीज बताइए कि दो व्यक्ति हैं, एक आपका जानने वाला है, करीबी है, और एक बिल्कुल कभी आपसे न मुलाकात है, न जान न पहचान, आपके सही साथ है, विश्वासघात कौन कर सकता है इन दोनों में से, जो करीबी होगा। यानी जिस पर आपको विश्वास है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर हमारे जो कहते नहीं वो षड्यंत्र के दाव पेच कमजोरी सब करीबी को तो पता तो रहे। जी वास्तविकता ये है कि विश्वासघात जो शब्द है वो बना ही है विश्वास से, यानी वो इंडिकेट करता है कि विश्वासघात वही होगा जहाँ विश्वास होगा। और शिक्षा में संगठन हो या कोई संगठन हो, ये लोग विश्वास करते हैं कि हमारे जो है संगठन के नेताजी हैं या अध्यक्ष हाँ हैं, हाँ सही कह ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जबकि वास्तविकता है कि हम कहते हैं कि कोई संगठन उठा के देखिए, कोई भी संगठन हो, किसी भी संगठन का कोई भी नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेतागिरी के चक्कर में आता है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक कोई विशु यादव हैं, जी, बीटीसी डीएलएड के हैं, तो अच्छा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि वो अच्छा कुछ, ठीक है भाई आपको अपना जो भी कहना है, जो भी बात रखनी है रखिए, लेकिन आप किसी के बारे में अभद्र बोलें, वो भी सीएम या पीएम के बारे में, सही बात तो है, सही ये सब चीजें जो है, चाहे आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, तो उनके खिलाफ इसी चीज को लेकर के केस दर्ज होने जा रहा है। अब वो रो रहे हैं, पहले तो उनको था नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, भाई आपको नौकरी चाहिए, आप भर्ती चाहते हैं तो अपनी भर्ती की डिमांड रखिए, तरह तरह बात के बने हुए हैं व्यवस्था कैसे आपको रखना है। है सर। ये देखो आप, मतलब हम लोग 2017 से वर्तमान 2023 चल चुका, अब इन 6 महीनों में आपकी बात बिल्कुल राइट है, सरकार अपने तरीके से ही करेगी, किसी के दबाव में कोई काम नहीं हो रहा, अब गाड़ी में लेकिन चार पहिया हैं और चार लोग बैठे हैं, चारों चाहेंगे कि हम अपने अपने अनुसार अलग अलग दिशा में लेकर जाएं, कैसे संभव है। इसीलिए तो एक ही स्टीयरिंग बनाया जाता है कि भैया गाड़ी में सब लोग बैठोगे लेकिन गाड़ी एक ही दिशा में जाएगी, जिधर स्टीयरिंग पर जिसका हाथ है वो तो लेकर हमारे जाए। जो नेता भाई लोग हैं, हमने शुरू में ही कहा उनको, मैंने कहा भैया आप ना नाजायज मांग मत रखो मंच पे, जब आप मंच पे बोलते हो आप सीधा ये कहो ना कि उत्तराखंड मॉडल या टेट पास जो है उनका उनका सरकार करे, फिर आगे जो नॉन टेट है उन्हें भी थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, वो भी पढ़ेंगे, जब भी बिल्कुल, पढ़ेंगे अब वही अनाप शनाप मांगे, किसी की मांग कुछ, किसी की मांग कुछ, किसी की कुछ, अब हम तो सारी जब बटे रहेंगे और अनर्थक बातें करेंगे कुछ नहीं होगा। खैर जो भी है, इन नेताओं के बस का न कुछ था न कुछ है, आज तक तो कुछ कर नहीं पाए हैं, और सही
आगे भी इनके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल मिला के करना गवर्नमेंट को है। और गवर्नमेंट अभी फोकस था इनका कि इसको जैसे चल रहा है उसको एज इट इज बरकरार रखा जाए, थोड़ा थोड़ा सुधार किया जाए। और मेनली पहले टीचर रखेंगे वो नहीं जरूरी, जरूरी है स्कूलों में व्यवस्था। तो स्कूलों में व्यवस्था पर अभी तक खर्च किया जा रहा था और लगभग काफी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है अब। अब तो बहुत कुछ, जो सारी कमियां थी मोस्टली सभी स्कूलों में हमारे यहाँ, तो इधर चरथावल ब्लॉक है हमारा, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें मतलब टाइल्स वगैरह कोई भी मतलब कायाकल्प का काम अधूरा हो। कमरे कमरे वगैरह अब भी बन गए हैं, पूरा हो चुका। अब तो बात हो रही है सेक्शन बनाने की। अभी कुछ दिनों पहले जो है सीएम साहब ने घोषणा किया कि हर कक्षा के 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन अब एबीसी में व्यवस्था व्यवस्था सुधार दिए हैं, एडमिशन बढ़ गए हैं और अब जल्द ही जो है टीचर वगैरह भी दे देंगे। तो बाढ़ से आने वाली है सरकारी स्कूलों में पूरे प्रदेश के अंदर। तो पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। और अब जो है अभी तक जो है जो कोर्ट ऑर्डर था उसके अनुसार जी चल रहे थे और वो काम पूरा कर रहे थे कोर्ट ऑर्डर का, साथ में व्यवस्था सुधार रहे थे। अब टीचर भर्ती की तरफ जा रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा शिक्षक नहीं होंगे, तो संविदा समाप्त करेंगे सबको जो है, जो भी जिस लेवल का है, जो टेट पास होगा तो उसके अनुसार, जो टेट पास नहीं होगा तो उसके अनुसार, जो व्यवस्था बना रहे हैं तो परमानेंट करेंगे, टेट वाले हो जाएंगे प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है तो उनके लिए तो फिर वही है कि प्राइमरी से उन्हें हटना होगा। तो 1 2 प्री प्राइमरी में जाना है तो वो प्री प्राइमरी में चले जाएंगे बाद में। और अभी मीटिंग हुई थी तो 5 साल उनको टाइम देने की बात हो रही है कि उनको 5 साल समय दे दिया जाएगा टेट पास करने के लिए। सर, तो कुल मिलाकर आप टेट पास हैं, पॉजिटिव जी रहिए, पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। प्राइमरी में जो है आपका हो जाएगा, थोड़ा सा एक विवाद है जो बीएड वाला जो गजट रद्द हुआ है जी वो गजट नवंबर में आ जाएगा, 15 20 नवंबर तक या नवंबर में जब भी। तो उसके बाद सारी चीजें शुरू होंगी क्रमशः, चूंकि जी टेट पास इच्छा मित्र भी हैं, टेट पास बीएड है, बीटीसी है, फिर अगर एक तरफा खाली तो फिर शिक्षा तो मित्र जैसे का। सर जैसा मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब बजट वगैरह एनसीटी से क्लियर हो जाएगा जैसे बीएड वालों का भी, और इसमें कुछ लोग हम भी हैं 50 60 हजार की संख्या शिक्षा मित्र भी है, और तो सर फिर तो एग्जाम तो होने का नहीं, फिर तो डायरेक्ट मेरिट वगैरह ही होगा। अरे इस बारे में हमने हमेशा बताया है कि भर्तियां 2 तरह से होती हैं। एक तो राज्य सरकार के हाथ में जो है जो पद हैं उन पदों पर, तो वो सुपर टेट करा रहे हैं तो उन पदों पर सुपर टेट 51 हजार या जो भी आएगा उस पर सुपर टेट होगा। और जो केंद्र सरकार भर्ती करेगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू करने वाली है, तो वो जब योजना शुरू होगी तो उस पर केंद्र सरकार बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट जो है टेट या एकेडमिक जो भी है मेरिट पर भर्ती करेगी। और चूंकि जो है स्पेशल किसी के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब भी किसी के लिए स्पेशल किया जाएगा तो दूसरा नाराज होगा और फिर विरोध करेगा, यह बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर वही विवाद का क्वेश्चन बनेगा। फिर वही होगा भैया उनको क्यों दे रहे हो, तो फिर कोई ना कोई कमी खोजेगा, तो फिर ये है सर, लटकाएगा। मान लो शिक्षा मित्रों का समायोजन हो गया पहले, बीएड वालों को बेचारों को अधूरा छोड़ दिया, तो फिर वे लोग कहेंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ रही है तेजी से, बीएड वाला गजट जब जारी हो जाएगा तो फिर वो एक साथ करेगी। सरकार का राम मंदिर में फैसला देखा हमें, तो तब से बिलीव हो गया हर चीज में, फिर जो सरकार जो है किसी को नाराज नहीं करेगी आने वाले समय में। अब जिसके पास देखिए डिग्री ही नहीं है तो बात अलग है। ये गवर्नमेंट जो है बड़े डिसीजन लेती है और उन पर तेजी से कुछ काम करना है तो तेजी से करती है, जिसमें समय लगने वाला है उनमें समय देती है। जैसे CAA NRC वगैरह ये सब है, बिल तो पास करा लिए हैं लेकिन अभी उस बिल को पास कराने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए, शांति से बैठे हुए हैं। सही समय आने पर वो बिल कानून बन ही चुका है, सही समय आने पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, लेकिन अभी जो है जरूरी क्या है, जो चीज़ हम प्लान कर रहे हैं वो करने के लिए हमें वहां पर रहना होगा। तो समय को ध्यान में रख करके हर काम कर रहे हैं कि जो बहुत जरूरी है वो कर दिए, जो अभी इतना जरूरी नहीं है कोई बात नहीं, बिल पास हो गया है ना हम आगे कर लेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बहुत सारे काम किए हैं। कश्मीर मुद्दा जो कि इतने सालों से अटका पड़ा था, कश्मीर मुद्दा जो है पूरा वो सॉल्व हो गया।
अब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, नहीं तो पहले तो इतना कश्मीर 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 चलता रहता था। सही तो बस थोड़े समय की बात है जहाँ ये बीएड वाला गजट नवंबर में आया, उसके बाद शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो है कभी कभी हम बताते हैं तो पकड़ लेते हैं कि हमने नवंबर कहा है, हमने अक्टूबर कहा है। भाई एक लमसम डेट हम बताते हैं, थोड़ा आगे पीछे कोई कारण से हो सकता है, गवर्नमेंट को करना है तो ध्यान रखिएगा नवंबर में गजट तो आ जाएगा। उसके बाद देखो सर, आप भी बताते हो इन चीजों के, अभी 23-24 लास्ट सत्र है तो उसके लिए अभी अवशेष हैं 4-5 महीने, अपने बिल्कुल, अभी तो हैं, अभी तो मार्च ये तैयार करना ही होगा जब तक ये सत्र नहीं पूरा होता है सबका। और उसके कुछ बाद लोग, कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि चुनाव है तो क्या होगा। अरे कितने सारे आज तक चुनाव हुए, क्या देश का विकास रुका, कहीं कोई काम रुका, सब सारे काम चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, जो और योजनाएं हैं वो सब चल रही हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, जो आता है वो करता है। मान लेते हैं कि लोगों को डाउट है कि चुनाव हो जाएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, जाने से पहले बहुत कुछ कर दिए हैं कि आने वाली गवर्नमेंट उसको करेगी, यही रहेंगे तो ये करेंगे जो सही काम, बात है। और बहुत सारी चीजें तो अभी होनी है, अभी तो चुनाव दूर है, इतनी जल्दी थोड़े आचार संहिता लग जा रहा है, अभी तो चुनाव दूर है। अभी हो रहा था कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन, जी, हाँ पढ़ा है सर वो भी। हाँ तो वो भी अभी पेंडिंग है, अभी संसद बैठा था तो जी, समय नहीं मिला, वो काम नहीं हो पाया। हो सकता है अभी शीतकालीन सत्र बाकी है, नवंबर दिसंबर में जब भी बैठेगा तो हो सकता है इसमें पास करा दें, तो फिर जो है चुनाव कब होंगे कैसे होंगे पता नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग डाउट में हो जाते हैं। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि हर हाल में ये चीजें होनी है और होंगी, जी तो बस पॉजिटिव रहिए, हर हाल में होगा, ठीक है सर। ठीक है। नहीं सर, सर आपकी वीडियो से ही मोटिवेशन मिल रहा है, देखो लगातार 1 साल हो गया मैं भी सुनते हुए, जब भी पॉजिटिव सर इंसान रहेगा तो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव करेगा, जब पॉजिटिव करेगा तो सब अच्छा धीरे धीरे होने लगेगा। जब तक नेगेटिव सोच थी जी 2017 के पहले, तब तक कोई शिक्षा मित्र जो है 1-8% को छोड़ दिया जाए तो टेट नहीं पास कर पाया था। जैसे ही 17 के बाद थिंकिंग पॉजिटिव होने शुरू हुई, हर शिक्षा मित्र मेरे पास जब भी कोई फोन करता है जो भी टेट पास है, ये बताता मैंने 1 बार पास किया, मैंने 2 बार पास किया। 2014 वाला देखे आए थे अपने टाइम पे, एक बार सर्विस में रहते, उसमें भी 3 नंबर से है, जब किस्मत की मार हो तो क्लियर नहीं हो पाता, बस साथ के भाई बहन थे उनका निकल गया था सब कुछ, 2014 सब का। कुछ डिपेंड करता है इच्छा शक्ति पर। अभी जी आप किसी दिन निकल जाइए मार्केट, पूरे दिन घूम घूम कर जो है धूप में शॉपिंग कीजिए, थक गई, अब आप घर आ रही हैं, थकी हैं, चला नहीं जा रहा है, सही कह अब रहे आपकी इच्छा है कि किसी तरह आराम करने को मिल जाए, लेकिन घर दूर है तो चलकर को जी, तो जाना है, लेकिन आप थकी हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगी, चलो भाई थके हुए हैं धीरे धीरे चलते हैं, दूरी भी पार हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त कोई कुत्ता पीछे लग जाए, पागल कुत्ता, अब क्या करेंगी, अब पूरी एनर्जी लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे अपने आप को बचाने के लिए, सही कह रहे, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा भागने का दौड़ने का सब कर डालेंगे। सही बात है, इंसान अपनी जरूरत के लिए सब कुछ करता है। तो यहाँ फर्क क्या है, अभी आप थकी थी, आप जी थोड़ा रेस्ट चाहती थी, आपकी इच्छा रेस्ट की थी, लेकिन घर भी जाना था तो आपने डिसाइड किया कि धीरे धीरे चलते हैं, तेज चलने की इच्छा नहीं थी तो इसलिए आप तेज नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदली, विषम परिस्थिति आ गई, अब आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा जागी तो गई कि हमें किसी भी तरह इससे बचना है, अपने आप को बचाओ, भागो किसी तरह, तो फिर क्या है, अभी आप चल नहीं पा रही थी, अभी आप अपने आप को बचाने के लिए जो संभव होगा वो सब कर जाएंगी। बताए आपको सर, देखो ये चीजें तो अब थोड़ा आशा की किरण दोबारे से दिखाई दी, वरना जब दो भर्ती सामने रख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए 18-17, 17-18 वाली, और उस टाइम हम लोग दो दो नंबर से रुकते जा रहे थे। 18 के बाद खुद मतलब मन में इतनी टेंशन हो गई थी कि मतलब तो हमारा रास्ता कुछ दिखाई नहीं दिया, इस वरना सारे रास्ते बंद कर दिए हमारे लिए, और अब हम टेट भी कर क्या करेंगे, हमारे सामने से भर्ती जा चुकी, लेकिन मन में फिर एक आशा की किरण जगी कि नहीं टेट तो क्लियर कर ही लो, क्या पता कहाँ भविष्य में कब काम आ जाए, भर्ती बिल्कुल, का तो काम कोर्ट निकली। कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है, लोगों को धीरे धीरे इस तरह से मोटिवेट किया है कि वो टेट पास करें, पहले ऑर्डर किए तो कहे 2 मौके, फिर जब 69,000 भर्ती में कोर्ट गया मैटर तो उन्होंने लिखित में नहीं कहा लेकिन वर्बली कह दिया कि तीसरा मौका भी,
तो अच्छा, इस लिखित पे में नहीं सर? नहीं, ये चीज लिखित में नहीं है, तीसरा मौका। और अच्छा, लिखित में जो चीज नहीं है वो नहीं है तो वास्तव सर में, जब लिखित में ही कोई चीज नहीं है तो सीधी सी बात है कि खैर अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा क्यों, वो इसलिए कि एक पॉजिटिविटी बनी रहे। बाकी कोर्ट को भी पता है कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जो है ऐसा नहीं कि हर चीज से अनभिज्ञ होती है, उनको भी पता होता है कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। गवर्नमेंट भी उनको बताती है कि हमारी क्या प्लानिंग है, तो उसी हिसाब से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो आगे सारी चीजें जो होनी है, होनी थी, वो सारी चीजें अब हो रही हैं और होने जा रही हैं। तो कोर्ट भी मन उसी, को यही लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तक जो है मैक्सिमम जो है शिक्षा मित्र, आधे से अधिक शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास कर लिए हैं। और उनमें भी जो टेट सीटेट पास हैं, हमें उम्मीद है कि 25% से ऊपर ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो एक से ज्यादा बार टेट सीटेट पास हैं। जैसे आपने बताया, आप 3 बार जी अभी सर, एक बार जूनियर का क्लियर है, 3 बार ये प्राइमरी वाला क्लियर कर लिया है, और मतलब आने वाले अगर सीटेट या यूपी टेट होते हैं तो उनमें मतलब रास्ता दिखाई देगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन हाँ पूछते जाते हैं। लेकिन वो सब मेहनत से हुआ, ऐसे बिल्कुल, नहीं हुआ, बहुत मेहनत करी, रात के 2 बजे तक भी पढ़ाई की। अब ईश्वर उन चीजों का देखो, अगर ईश्वर फल देगा तो जरूर देखो। हम तो शुरू से ही अपने आपस में सबको यही कहें कि अगर हम अपनी सीट पर ईमानदार हैं तो भविष्य में हमें टीचर का पद जरूर मिलेगा। अब आप सोचिए कि आपने इतनी मेहनत से टेट सीटेट पास किया, आप जब सहायक अध्यापक बनेंगी जी, तो अब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हमने अपने दम पर ये चीज हासिल किया, सरकार ने हमें खैरात में नहीं दिया है। सही कह रहे सर, तो बहुत सही अब कह रहे। एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम भी टेट पास है, कहीं कोई भी बात करेगा, करता होगा अभी भी, सही कह तो रहे, एक अलग कॉन्फिडेंस रहता होगा कि मैंने 3 बार टेट सीटेट पास किया है, मैं टेट सीटेट पास हूँ। एक अलग ही जी कॉन्फिडेंस रहता होगा। ठीक है, हम शिक्षा मित्र हैं, कोई बात नहीं। अभी दो व्यक्ति खड़े हों, दो शिक्षा मित्र, एक टेट पास हो एक ना हो, दोनों जी बात किया जाएगा, दोनों बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। जो टेट सीटेट नहीं पास है वो निराश मन से बात करेगा और सरकार के सिर्फ अगेंस्ट बात करेगा और नेगेटिव जी बातें करेगा। वहीं जो टेट सीटेट पास है, कहीं ना कहीं उस नेगेटिव शिक्षा मित्र जो टेट पास नहीं, उसकी तुलना में पॉजिटिव होगा और दावे से कहेगा मैंने अपनी मेहनत पर टेट सीटेट निकाला है। ठीक सर, ये बात है, आप नौकरी सही है। दोनों को नहीं मिली है, लेकिन जो टेट सीटेट पास है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, सहायक अध्यापक हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उस दिन के बाद तो जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो तो फिर पूछना ही नहीं। अभी हमने डाला था एक सही रिकॉर्डिंग, कह रहे, अपनी आत्मा भी तो खुश होगी ना कि हाँ, कहना आपका कि अपनी मेहनत से मिली है अबकी बार। बिल्कुल। अभी हमने किसी शिक्षा मित्र से मेरी बात हुई थी, 2-3 दिन हुआ है डाले हुए, और उन्होंने तो 7-8 बार जो है टेट सीटेट, सात हाँ आठ क्या सर, आपने 11 बार, उनका सुनी है, उन भैया की वीडियो भी हाँ आपसे बात वो शायद 11 बार अब तक टोटल बता रहे थे पास। अचंभा हुआ कि मतलब इतने अच्छे अच्छे शिक्षा मित्र हैं, बताओ और उनसे 11 बार। बात करते हुए हमें एक चीज दिमाग में मेरे चल रहा था कि जी जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, इस तरह से जो है बात करने वाले बीएड भी फोन करते हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, इस जी लेवल पर बात वो भी सारे लोग नहीं कर पाते, उनमें भी इक्का दुक्का इस तरह के होते हैं। तो उनका जो लेवल था इतना हाई था, इतना अच्छे से बात कर रहे थे, उनका जो नॉलेज का लेवल था, जो मेच्योरिटी का लेवल था, जिस तरह से बात करने का उनका तरीका था, हम दावे से कह रहे हैं कि उस लेवल पर बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले भी कम से कम 90% ये लोग उनके लेवल के नहीं हैं। जी जी तो ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षा मित्र जो है एक समान है, उनमें भी बहुत अच्छे हैं आप जैसे लोग भी हैं, कुछ खराब लोग भी हैं। तो कहते हैं ना कि एक जो है मछली पूरा तालाब गंदा बात कर देती है। है, कुछ लोगों के कारण हम रिकॉर्डिंग उनका भी डालते रहते हैं जो लोग फोन करके उल्टा सीधा बात करते हैं, तो कुछ लोगों के कारण जो है सारे के सारे लोग बदनाम हैं। वो वर्तमान स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो बस जो वर्तमान की स्थिति है उसको नहीं समझने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। और हम हमेशा कहते हैं हम जितनी चर्चा कर रहे हैं भाई, हम ना किसी को नौकरी दे रहे हैं ना हमारे करने से किसी को किसी नौकरी मिलेगी, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, ने अगर समझाने का हमारे प्रयास सामने फिकर किया कि पुनीत सर तो मतलब शिक्षा मित्रों के अंगेष्ट है, बीएड वालों के अंगेष्ट है, हम मैंने कहा उनकी वीडियो ही बता देगी मैं बंदा किसके अंगेष्ट है किसके नहीं है। मैं तो बेचारे हर किसी को गाइडेंस दे रहे, हर किसी को मोटिवेट कर रहे। हम हर उस व्यक्ति के अगेंस्ट हैं जो मेहनत नहीं करना चाहता।
हाँ बस यही रियलिटी है सर अब तो। हम तो बहुत सारे ऑडियो डालते हैं, आपने सुना होगा अगर, तो बीएड वालों को भी क्या क्या बोल नहीं देते हैं, नहीं सर हमने तो यही कहा कि टीसी हमें डीएलएड वाले को भी बहुत कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा होता है उस लायक है कि बोलना पड़ जाता है। और सही। जब कोई अच्छा फोन करता है, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे शिक्षा मित्र हो, तो क्यों हम बोलेंगे भाई, जब सामने वाला ठीक से बात कर रहा है और दिख रहा है हमें बातचीत से कि वो ठीक ठाक बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो हम क्यों किसी के बारे में गलत बोलेंगे। सही बात। तो जैसे को तैसा, बस सिंपल सा है, जैसा सामने वाला वैसा हमारा अपना होता है कि कैसे बात करना है, क्या कहना है। अब अगर कोई फोन करे और उल्टी सीधी बातें करे, तो अब तो फिर तो सही उसको तो अच्छा बोलने का मन ही नहीं करेगा, मूड जब थोड़ा समय संभाला जाएगा, अगर लगातार वो वही कर रहा है तो फिर मूड खराब होगा। अब वो शिक्षा मित्र हो सामने, चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी वाला हो, चाहे कोई हो, किसी एज का हो, अगर बहुत एक लिमिट तक उसको समझाएंगे, उसको झेलेंगे, लेकिन लिमिट क्रॉस करेगा तब तो फिर जो भी निकल जाए गुस्से सही में। कभी कभी कुछ शिक्षा मित्र मैसेज करते हैं, उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, तो गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में फिर रिप्लाई भी करना पड़ जाता है। तो अब कोई इसमें उस देखो एक बात, बात तो वो कहते हैं नहीं कि अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। अगर हम बिल्कुल हमें तो बदतमीजी करने का राइट तो होना ही नहीं है। कोई भी अभी बंदा है कि आप आप से कोई भी है आपसे बात करते करीब करीब हमको कितना देर हो गया, करीब 30 मिनट, आधे घंटे हो गए। अब बताइए कितने आराम से हर चीज बात हो रही है, आप अपनी बात कह रही हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें बातें हो रही हैं, सबके बारे में हर बिंदु पर 18 चर्चा हो रही। अक्टूबर की मीटिंग है सर, 18 अक्टूबर को मीटिंग रखी है गवर्नमेंट ने, और उसी में हम लोगों का सम्मेलन भी, उस दूसरी साइड इन लोगों ने सम्मेलन रख लिया, और यही बात हमारे मुंह से निकली तुरंत। मैंने कहा सरकार ने तो पहले से ही सोच रखा होगा कि 18 को मीटिंग रखनी है। ये मीटिंग पहली बार नहीं हो रही है, 29 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उन्तीस सत्ताईस सत्ताईस या 29 अगस्त को हुई थी, हाँ। फिर उसके बाद 27 सितंबर को हुई है मीटिंग, फिर लेकिन ये सत्ताईस तो मतलब वहां अपने बीच में वो करने के लिए ये वहां पे उतरे नहीं अब लखनऊ में। तो ये लोग उस पर नजर नहीं रख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस अपनी नेतागिरी और अपना जो है वो भी। सबको बताएंगे ना कि हम करवा के आए इन चीजें सब। तो कुल मिलाकर के अभी 18 अगस्त में 29 को हुआ था, उसके बाद सितंबर में 27 को हुआ है, और अब जो है 8 तारीख को आख्या मांगी गई थी, 12 तारीख को उस पर मीटिंग हो गई आख्या पर, मात्र जो है 2 दिन और रह गया, 18 को फिर फाइनल मीटिंग हो जाएगी, और निश्चित ही 18 या 19 में एक न्यूज देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी कि जो पुराने बोर्ड हैं वो बहाल कर दिए गए, इस पर जो है फाइनल डिसीजन होना है। और फिर धीरे धीरे जितने पॉइंट पर मीटिंग हो रही है वो सब धीरे धीरे क्रमशः आने वाले 1-2 महीने के अंदर सामने आएंगे। अभी अभी न्यूज जो आएगी वो अभी जो न्यूज आएगी वो ये आएगी कि जो है जो पुराने बोर्ड हैं जो कि भंग कर दिए गए थे नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाने के लिए, तो क्योंकि वो आयोग का गठन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो पुराने जितने बोर्ड हैं वो फिर से जो है बहाल किए जाएंगे। ये न्यूज 18 की मीटिंग के बाद जब भी आ जाएगा, हो सकता है जी 18 को या 19 को ही आ जाए, ठीक तो बस इंतजार कीजिए 18 की मीटिंग का, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी, नवंबर में बीएड वाला गजट भी हो जाएगा, क्रमशः सब होगा। चलिए ठीक है सर ठीक है, रखें फिर, ठीक है सर नमस्ते सर। नमस्ते।